सबसे पहले यहाँ पे 140 वोल्ट की हेडलाइट के ना जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है। फ्लेम का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। अपनी प्रोजेक्टर वाइज जो फॉग लाइट है वो लगाई गई है। इसके अलावा आप देखोगे ग्लॉसी किट का जो अपडेट है वो किया गया है। हेडलाइट पे आपको ग्लॉसी किट जो है वो देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर जो है वो आपको ग्लॉसी इंसर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और टेलाइट वाला पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार की बात करें रूफ के ऊपर तो यहाँ पे टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। रूफ टेपिंग करी गई है। कहाँ पे अपनी रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। तो अपने जो नॉर्मल सीट कवर आते हैं उससे हैवी क्वालिटी के सीट कवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। डोर का फिनिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब में वीडियोज वगैरह देख करके। आपकी वीडियो देखिए, ठीक है। आपका एडवेंचर वेरिएंट था तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के हिसाब से सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। सारी चीज़ें मुझे मिल गई, आपको मिल गई हैं। जी जी। बात करें अगर गाड़ी के काम की, फिट फिनिश वगैरह की, काम वगैरह आपको कैसा लगा? काम बहुत अच्छे से किया, काम बहुत बढ़िया किया। तो जो चीज़ें आपको YouTube पे आज तक देखने को मिली जिस तरीके की, वैसा ही काम यहाँ पे मिल जाता है? बिल्कुल, सब कुछ एग्जैक्ट। तो मतलब ओवरऑल जो है वो आप यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं? बहुत अच्छी है। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज न्यू रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। और अगर आपने सामने देख सकते हैं आप कई सारी टाटा पंच जो है वो रहने वाली है। आपको मैं काउंटिंग के लिए बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे चेक करोगे DL3C नंबर बेस मॉडल प्योर जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा एक गाड़ी अपने पास यहां पे UP13 नंबर जो है वो रहने वाली है। यहां पे आप चेक कर सकते हो सारी गाड़ियां वाइट रहेंगी। ये वाली गाड़ी भी DL8C नंबर जो है ये अपना एडवेंचर वेरिएंट रहेगा। उसके बगल में आप चेक करोगे एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है और उसके पीछे एक गाड़ी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो 6 गाड़ियाँ जो है वो अपनी रहने वाली हैं। और आज हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉडल की जो कि अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है वो रहेगा। बेसिकली ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो एडवेंचर वेरिएंट ऑन करते हैं और चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह काम करवाना, क्योंकि इस मॉडल के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लगवा सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे तो फॉग लाइट जो है इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। फॉग लाइट में आपके पास ऑप्शन तो खैर मिंडा वगैरह के भी है, बट इस वाली गाड़ी के अंदर जो है वो प्रोजेक्टर वाली जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 3 इंच का जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और कैसा कुछ इसका फिट फिनिश आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटपुट वगैरह भी जो है वो दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में हेडलाइट के अंदर अपडेट किया गया है और इसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, उसको रिप्लेस करके LED बल्ब जो है वो लगा दी गई है सबसे ऊपर। उसके ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपना ग्लॉसी किट का जो पार्ट है हेडलाइट वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा। व्हील कवर इस मॉडल के अंदर आता है। आप जो है चाहो तो जैसे बेस वेरिएंट वगैरह लेकर के आते हो तो लगवा सकते हो। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे तो डोर अपने आउटसाइड मिरर के ऊपर जो है ग्लॉसी इंसर्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। डोर हैंडल्स आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से रियर में भी ग्लॉसी किट का जो काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। ऊपर की तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपनी रूफ के ऊपर टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक एवी डेंसिंग जो टेपिंग है उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। विदाउट टेपिंग किस तरीके का लुक आता है वो आप इस वाली कार में चेक कर सकते हैं, और टेपिंग के साथ किस तरीके का लुक आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डुअल टोनल कन्वर्जन जो है इस वाली गाड़ी के अंदर रहने वाला है। उसके अलावा रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है अपनी, यहाँ पे गैलियो ब्रांड की रूफ रेल जो है वो लगाई गई है। अंदर से बताता हूँ क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। स्पीकर वगैरह जो है आते हैं, इसमें कोई अपडेट नहीं है। आप चाहो तो वैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह में अपडेट करवा सकते हो, टच स्क्रीन सिस्टम लगवा सकते हो। ऑप्शन में आपके पास डायमंड 2K वगैरह के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जैसे कि इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। आप चेक कर सकते हो डायमंड 2K का जो स्टीरियो है वो लगाया गया है। इस तरीके के अपडेट आप करवाना चाहो तो अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं, बट इसमें नहीं रहेगा। नॉर्मली जो अपना आता है वही अपना स्टीरियो जो है वो छोड़ा गया है। बाकी आप देखोगे सीट कवर्स, तो फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। डुअल टोन के फिनिश के साथ रहेंगे। ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम नजर डालते हैं फ्लोर के ऊपर तो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम जो है वो रहने वाला है। डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो करी गई है जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो अपनी लाइट है उसको LED बल्ब के अंदर कन्वर्ट जो है वो किया जा चुका है। बाकी आप वहाँ पे चेक करोगे एम्बिएंट लाइट वगैरह के लिए वायरिंग जो है वो करी जा रही है। एम्बिएंट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो एम्बिएंट लाइट आप चेक करें तो यहाँ पे अपनी K3 वाली 6 पीसीज एम्बिएंट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी ये अपनी लगेगी और वहाँ पे वायरिंग वगैरह काम जो है वो चल रहा है, अपना शमीम भाई काम जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो इसके अंदर अपना इंटीरियर वर्क जो है वो भी रहने वाला है। इस वाली कार के अंदर जो इंटीरियर आता है वो आपने पता है वो ग्रीनिश इंसर्ट के साथ आता है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाला है ऑफ वाइट का, जो कि इंटीरियर वर्क के साथ जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी अच्छे अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। अगर आप एडवेंचर मॉडल ऑन करते हैं तो इस वीडियो के हिसाब से जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्या कुछ काम जो है अपनी कार के अंदर करवा सकते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला वेरिएंट जो है वो अपना एडवेंचर वेरिएंट रहने वाला है। अब क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर किए गए हैं अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले लाइटिंग सेटअप का अपडेट जो है वो आपको फ्रंट से देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग सेटअप के अपडेट में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे 140 वोल्ट की हेडलाइट के अंदर जो LED है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। अपनी प्रोजेक्टर वाइज जो फॉग लाइट है वो लगाई गई है।
तीन इंच का प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कैसी कुछ फिटिंग आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ आती है DRL लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, और पार्किंग बल्ब को जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। आप यहाँ पे चेक करोगे कुछ तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें लाइट सिस्टम की रिस्पॉन्स की, किस तरीके का आउटपुट वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है लाइट का रिस्पॉन्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर अपना हाई बीम और लो बीम जो है दोनों वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ तरीके से जो है इसकी वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। फॉगलाइट का रिस्पॉन्स ये रहा, अपनी हेडलाइट का रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हेडलाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, और अपनी फॉगलाइट ऑफ कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है। दोनों का आउटपुट जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, DRL लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है और डुअल पर्पज में रहने वाली है। DRL पे आपने चेक कर ली है, इंडिकेटर पे भी जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ तरीके का जो है ओवरऑल लुक रहने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे ग्लॉसी किट का जो अपडेट है वो किया गया है। हेडलाइट पे आपको ग्लॉसी किट जो है वो देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर जो है वो आपको ग्लॉसी इंसर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और टेलाइट वाला पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 पीस की ग्लॉसी किट आती है, कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज की लग चुकी है। कार की बात करें रूफ के ऊपर, तो यहाँ पे टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। रूफ टेपिंग करी गई है, कंप्लीट रूफ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और काफी अच्छे फिट फिनिश के साथ जो है ये भी अपनी यहाँ पे करी जा चुकी है। डुअल टोन के अंदर कन्वर्ट जो है वो किया गया है। कार का ए पिलर, उसके ऊपर टेपिंग आपको मिल जाएगी। साइड वाले पोर्शन के ऊपर टेपिंग आपको मिल जाएगी। ऊपर वाली पार्ट के ऊपर टेपिंग जो है वो रहने वाली है। और इवन जो अपना रियर का स्पॉइलर वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी टेपिंग का काम जो है वो अपना किया गया है। डोर वाइजर भैया ने पहले से लगवाए हुए थे, तो उसके अंदर कोई अपडेट नहीं रहने वाला। यहाँ पे अपनी रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। और प्रॉपर जो है 1500 रुपये कॉस्टिंग के साथ जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं, आईपॉप आई डोर एज गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि चारों दरवाजों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लॉसी किट मैंने आपको दिखाई, ये अपना हैंडल और यहाँ पे हैंडल और अपनी टेल लाइट जो है वो आपको मैंने दिखा दी है। बाकी अगर हम रियर से बात करें, तो रियर में अपना जो है कोई अपडेट नहीं रहेगा। एंटीना वगैरह जो है सारा कुछ आपको इस वाले मॉडल के अंदर पहले से ही मिल जाता है। बाकी दोस्तों अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में, और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन का इंसर्ट देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है वो रहने वाला है, तो एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें शायद से ग्रीन पसंद नहीं आया, या मे बी कुछ हो सकता है, तो उन्होंने जो है कंप्लीट पोर्शन जितने भी होते हैं इसके ऊपर जो है वो अपनी इंटीरियर वर्क का काम जो है वो करवा दिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दरवाजे जो है वो किए गए हैं, चारों दरवाजों के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाने वाला है। और दो पीस अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो रहने वाला है। बाकी अपनी एम्बिएंट लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप चेक करोगे चार पीस आपको दरवाजों में और दो पीस जो है वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 6 पीस वाली जो अपनी एम्बिएंट लाइट है K3 वाली, वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। कलर वगैरह की ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ से आप कलर को जो है मैनुअली एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो उसकी हेल्प से जो है आप इसको ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके के और फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ वेलकम प्लेट जो है वो मिल जाने वाली है। पटल लाइट सेटअप जो है वो इंस्टॉल की गई है। आगे के दोनों दरवाजों में पटल लाइट जो है वो मिल जाती है। एक पीस आपको इसके ग्लोव बॉक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और एक पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो अपना बूट के अंदर भी रहने वाला है। 4 पीस की जो है वो अपनी लगाई गई है। इसके अलावा बात करें अगर हम स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे डुअल टोन स्टीयरिंग रैप का काम जो है वो किया गया है, जो कि मून डिजाइन में अपना रहने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेम है जिस तरीके की गाड़ी का इंटीरियर है उसी तरीके का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मून डिजाइन में इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें सीट कवर्स की, तो अपने जो नॉर्मल सीट कवर आते हैं, उससे हैवी क्वालिटी के सीट कवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो। डुअल टोन का फिनिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे प्रॉपर आपको फिटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेंटर में डबल सिलाई है, बर्फी डिजाइन है, प्रॉपर जो है वो अपना रहने वाला है। ये अपना ड्राइवर सीट जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा अपनी जो को ड्राइवर सीट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप रियर से बात करें, तो रियर में किस तरीके का फिट फिनिश आने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें अगर हम फ्लोर की, तो यहाँ पे फ्लोर पे फ्लोरिंग करी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग का काम जो है वो किया गया है, और उसके ऊपर SIPL प्रो वाले जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना रहने वाले हैं लॉन्ग लास्टिंग मैट। आप इसका इस्तेमाल जो है वो लाइफ टाइम तक कर सकते हो। इस तरीके के मैट जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। तो ये सब अपडेट जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। बाकी सेंटर लॉकिंग स्टीरियो जो है वो पहले से ही आता है, चाहो तो स्टीरियो में अपडेट जो है वो भी करवा सकते हो। तो ये सब अपडेट जो है वो हुआ है इस वाली कार के अंदर। अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और जानते हैं उनसे कैसा उनका फीडबैक आता है। तो दोस्तों कार की सभी चीज़ मैंने आप लोगों को चेकआउट करवा दी है, गाड़ी भैया की यहाँ पे खड़ी है। मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राहुल। राहुल जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली में पालम से आया हूँ। पालम से, तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब में वीडियोज वगैरह देख करके। आपकी वीडियो देख के। ठीक है, आपका एडवेंचर वेरिएंट था, तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के हिसाब से सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। सारी चीज़ें
मुझे मिल गई। आपको मिल गई है जी, जी बात करें अगर गाड़ी के काम की, फिट फिनिश वगैरह की, काम वगैरह आपको कैसा लगा? काम बहुत अच्छे से किया, काम बहुत बढ़िया किया। तो जो चीजें आपको यूट्यूब पे आज तक देखने को मिली जिस तरीके की, वैसा ही काम यहाँ पे मिल जाता है? बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट। तो मतलब ओवरऑल जो है वो आप यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं? बहुत अच्छी है। अगर आपको सारे काम को नंबर देना हो, 10 में से रेट करना हो, कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 8.5 डेढ़ नंबर फिर भी रुक गए सर, कोई खास वजह? कोई बात नहीं, वो ताकि चीजें और सुधरती जाए। ठीक है, मतलब कहीं कुछ कमी हो तो आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब 8.5 आपने दिया है तो इसमें कुछ कमी ऐसा तो कुछ? ऐसा कोई कमी वाली बात नहीं, वो मैंने अपनी खुशी से काटा है। हाँ ठीक है, हाँ उसमें तो आपका हक है सर, उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बाकी अब ये बताइए कि पेमेंट वगैरह जो है वो अपनी क्या रहने वाली है? पेमेंट मैंने कैश भी करी है, UPI भी किया है, दोनों ही मेथड से किया है। ठीक है, इसमें कोई इसमें मना नहीं किया है, आप किसी भी अमाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो इन अमाउंट बात की जाए, क्या अमाउंट वगैरह आपका बना? मेरा टोटल काफी आइटम थे तो मेरा अमाउंट बैठा अराउंड 35,000 रुपीज का। 35,000 का। तो ये पेमेंट वगैरह जो भी आपने करी है ये आपको वर्थ लगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्थ लगी जो बिल्कुल है। ठीक है, कल को किसी को रिकमेंड करना हो आपके नॉन वगैरह में कोई भी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे अपने दोस्तों को कि आप जाइए और यहाँ पर अपना एक्सेसरीज वगैरह लगवाइए, तो अपना काम जो है यहाँ पर कराने आप आ सकते हैं। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू। और आप यहाँ तक आ रहे हैं वीडियो देख करके, उसके लिए बहुत धन्यवाद।